आई थिंक ये लाइटिंग होती होगी ड्रैगन में, इसलिए सब वेट कर रहे हैं। चल चल चल, हम भी चलते हैं, आ जाओ। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स नेक्स्ट डे हियर इन हनोई। और आज हमारा सारा सामान वन पैक करके वी आर लिविंग फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और वो क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। बाय द वे राइट नाउ आई एम चेकिंग आउट, चेक कैब बुक कर दी है। और आप अगर कभी वियतनाम आओ तो ग्रैब ऐप आप डाउनलोड कर लेना पहले से, इंडिया में हो तभी डाउनलोड कर लेना। और इट्स अ वेरी इजी, इसमें बाइक भी रेंट पे आपको बाइक भी आ जाती है, लाइक ऊबर है ये, तो यहाँ का ऊबर, तो इट्स वेरी चीप, वेरी कन्वीनियंट, फटाफट से आपके लोकेशन पे गाड़ी आ जाती है। और यहाँ की गाड़ियाँ वेरी नाइस, लाइक लग्जरी गाड़ियाँ ग्रैब में। सो या दैट्स दैट, अभी एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल 1 जाना है हमें, तो वी आर गोइंग फॉर दैट। चलो चलते हैं साथ में। मत बताओ, ये भी मत बताओ क्योंकि बहुत भाव खाता है ये, मेरे अर्निंग का 80% मांगता है, बहुत शाना बंदा है, इसको लगता है जो मेहनत कर रहा है उसको 20 मिलना चाहिए। मैंने 80% मांगा क्या कभी? कितना मांग रहा है बता, चल। यू आर महंगा ना, तो टेल मी हाउ महंगा यू आर। आई एम महंगा, बट माय पॉइंट इज शी शुड एटलीस्ट आस्क फर्स्ट, परमिशन लेना चाहिए। परमिशन नहीं लेते हैं ये तो कहाँ से हम व्लॉग में आ जाएं, बताइए। कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे परमिशन, हम नहीं लेंगे। बाय द वे गाइस, वी आर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट और वी आर टेकिंग फ्लाइट टू दनांग, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दनांग बिकॉज इट्स अ बीची लोकेशन इंडिया आफ्टर सो लॉन्ग। लाइक गोवा में लास्ट कब गई थी याद नहीं है मुझे, आई मीन कोविड के बाद आई डिडंट वेंट टू गोवा, लाइक हाँ पांडिचेरी गई थी ना, बट पांडिचेरी में सब बीच टाइम इन्जॉय नहीं किया था, तो बीचेस की थोड़ी थोड़े थोड़े मज़े लिए जाए अब। यस, विल सी यू एट द एयरपोर्ट ओनली। चलो चल के चेक इन वेक इन करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। या एंड ऑल्सो वी आर फ्लाइंग विथ वियतजेट एयरलाइंस, सो आने टाइम दिल्ली से हनोई का जो एक्सपीरियंस था वॉज ग्रेट। अभी देखते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट वाला कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आई विल शेयर इट विद यू। सो हमने हमारा बैगेज दे दिया है और अभी हम सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में लग गए हैं। बड़ा क्विक हो गया, जल्दी हो गया, ऐसा टाइम नहीं लगा क्योंकि काउंटर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे इंडिया में एज़ कम्पेयर टू 2 या 3 ही काउंटर थे फॉर वियतजेट, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ की एयरलाइन है तो बहुत सारे काउंटर थे, तो बहुत ही क्विक हो गया है। या सिक्योरिटी चेक करते हैं उसके बाद लाउंज में चलते हैं क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से सॉलिड, तो भूख लगी हुई है। सो विल गो टू द लाउंज एंड लेट्स सी यहाँ का लाउंज कैसा होता है। पता नहीं कहाँ ले आई है, भूखा मार दिया, खाने को भी नहीं मिल रहा। सो यहाँ का जो लाउंज एरिया है विच इज़ वेरी नाइस एंड इम्प्रेसिव बिकॉज बहुत सारे लाउंज है, लाइक बिजनेस क्लास के अलग हैं, फर्स्ट क्लास के अलग हैं, एंड हमें इस वाले लाउंज में हम जा सकते हैं क्योंकि आई हैव प्रायोरिटी पास और उससे इसका एक्सेस हमें मिल जाएगा। सॉन्ग होंग प्रीमियम लाउंज, देर इज़ फर्स्ट लाउंज ऑल्सो, आई डोंट नो ये अलाउ करेंगे कि नहीं, कि यहाँ तो है हमारे पास एक्सेस, तो लेट्स गो एंड सी। मैं लाउंज को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि आराम से चिल मारो, बढ़िया ऐश करो। कि आपको बहुत ही वैरायटी वाला नाश्ता मिल जाता है, ये हमें होटल में भी नहीं मिलता शायद, राइट? सो या आई एम गोइंग टू मेक सम बर्गर काइंड ऑफ थिंग और सनी साइड अप कॉफी एंड या दैट्स इट, वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, एक्चुअली ब्रंच विद अ व्यू होटल।
we landed in Da Nang. Everybody, कब ऐसे लैंड कर गए पता ही नहीं चला. टेक ऑफ हुआ, लैंड हुआ. फटैक से फटैक फटैक. एक घंटे की फ्लाइट थी, सवा घंटे की. एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है बहुत जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप मनी एक्सचेंज करवाते हो करेंसी जाके या फिर कैसे करते हो. तो थाईलैंड के टाइम पे तो मेरे पास वो कार्ड नहीं था, मेरे पास मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही थी और मोस्टली मैंने हॉस्टल्स और सब कुछ बुक किया हुआ था. बट मैं हमेशा से ये चीज़ ध्यान रखती हूँ, मैं करेंसी एक्सचेंज मैंने आज तक कभी नहीं कराई है. मैं हमेशा एक्सचेंज या तो मैं इंडिया से करा के लेके गई थी, US गई थी तब, मैं थाईलैंड गई थी तब भी मैं एक्सचेंज करा के लेके गई थी इंडिया से ही. मैं वहाँ जाके नहीं करा थी क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इनका होता है और एयरपोर्ट में तो कुछ ज़्यादा डबल ट्रिपल होता है. तो दिस टाइम आई हैव द कार्ड, वीज़ा कार्ड, जिसमें कि इंटरनेशनल आप विड्रॉ कर सकते हो. उसकी लिमिट 1,00,000 रुपये. तो और कुछ ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं लगते हैं. लाइक चार्जेस जो है वो कुछ 200-300 रुपये लगे थे मान लो फॉर एग्जाम्पल. सो वियतनामीज डोंग के हिसाब से 20,00,000 और इंडियन करेंसी के 7,000 में 200 या 300 रुपये आपके चार्जेस लगे, विच इज़ फाइन. और अगर आप वही कन्वर्ट करेंसी एक्सचेंज कराओगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा. सो या दैट्स व्हाट अभी यहाँ पे ATM में हम निकाल रहे हैं. और और मेरे ख्याल से बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से विड्रॉ कर रहे हो. तो कल हमने जैसे निनबिन में किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, और वही हमने किसी और बैंक से जब आए थे उसी दिन हमने जब एयरपोर्ट से किया था थोड़ा कम लगा था. तो वही 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं. तो अभी हम फिर से यहाँ पे निकालने विड्रॉ करने वाले हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कितने चार्जेस लगे. दिस इज़ वियतकॉम बैंक, लेट्स सी. और यहाँ से हमारे होटल जाने के लिए वी आर गोइंग टू बुक ग्रैब टैक्सी. बुटीक प्रॉपर्टी कॉल डेजी बुटीक होटल, और दिस इज़ आर रूम. लाइक एंटर होते ही छोटा सा ये किचन तो नहीं, ऐसे जस्ट किचनेट. आप यहाँ पे छुटपुट कुछ बना सकते हो. देर इज़ वॉशरूम, डिसेंट रूम एंड वेरी नाइस कोजी. आई लव बुटीक प्रॉपर्टीज फॉर द रीज़न लाइक या वेरी नाइस. ये ऐसे अपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ है, सो बहुत ही सही लग रहा है. डिटेल में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ उसके बाद बात करते हैं. कि मार्केट में घुसते ही अजीब सी स्मेल आने लग जाती है ये ऑयल वगैरह की. रिक्वेस्ट पे थोड़ा कुछ वेज बनवा रहे हैं इनसे. टाको ना, सर टाको समझ नहीं रहे थे बट फिर वी आस्क्ड हिम टू मेक लाइक वेजिटेरियन. तो ही इज़ वेरी काइंड, ही सेड कि हम एक ही पैन में बनाते हैं, दैट इफ दैट्स ओके फॉर यू तो बना देते हैं. सो हमने बोला ओके चलो ठीक है यार, अभी ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मतलब वेज में कुछ मिल जाए. तो ही इज मेकिंग टाको. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज इयान. Thien. Yeah, Thien. The mountain. You don't have many vegetarian options in this market? I'm not sure. Not too much. Just a little bit. For example, it's wheat. Just wheat one, no wheat. Yeah. Okay, so ये आ गया, हमने थोड़ा सा खा भी लिया. To be honest, not bad. अच्छा है. ठीक है ना, कल इशारा कर रहा था, काट लूंगी ना मैं. कुछ देखने रहा इस मार्केट में हमारे खाने लाए. ओके एवरीबॉडी, सो मार्केट घूम के हो गया हमारा, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया. इट्स लाइक यहाँ पे एक चीज़ ये देखी है कि फ्राइडे एंड सैटरडे जो है वो क्रेजी रहता है सीन, और संडे को थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कि लोग कम निकलते हैं क्योंकि मंडे फिर बैक टू वर्क हो जाते हैं इसलिए.
बट हाँ इट वॉज गुड. नई नई चीज़ें ट्राई की आज बाहर, मतलब अलग अलग खाना खाया, दो उन लोगों को समझा के कि थोड़ा वेज में बना दो. तो यार दैट वॉज गुड. लोकल फ्लेवर, लोकल फूड ट्राई करना चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड. और फ्रेश होता है सबसे अच्छी चीज़, एंड इट्स चीप ऑल्सो, लाइक इकोनॉमिकल ऑल्सो. सो हमारा 200 रुपये में तो डिनर हो गया आज. और अभी हम बस अब वापस जाएंगे यहाँ से होटल हमारे भैया, और जाके आई थिंक क्रैश होने वाला है बिकॉज कल हमें निकलना है होयन के लिए. सो या दैट्स दैट. यहाँ पे एक ड्रैगन ब्रिज है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ टर्न करके, बट यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, पता नहीं उस तरफ आई थिंक रिवर वाला एरिया है, ऊपर ब्रिज में भी भीड़ लगी हुई. आई थिंक ये लाइटिंग होती होगी ड्रैगन में, इसलिए सब वेट कर रहे हैं. चल 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 हम भी चलते हैं, आ जाओ. कुछ तो होता होगा तभी यार, इतना फ़ोन लेके खड़े हैं तू देख एकदम. मेरे को लग रहा है सर टाइम से ऐसे लाइटिंग होती होगी कुछ, आ जाओ हम भी मिस ना कर लें. लेट्स सी. सब के सब फोन लेके खड़े हैं. ये ड्रैगन के मुंह से क्या निकल रहा है, वो आग निकल रही है. और यहाँ पे सब उसी का वेट कर रहे हैं, तब से इतनी भीड़ लगी हुई है. लुक एट द क्राउड. ये तो है ही, साथ में पूरे ब्रिज के ऊपर लोग खड़े हुए हैं. एंड देर इज़ अ बे फ्रंट एरिया जहाँ पर क्रूजेस चलते हैं, लाइक डिनर और इवनिंग क्रूज ये चलते हैं. सो यू कैन हैव डिनर देयर. हम वो नहीं कर रहे हैं, बड़े क्लीशे लगता है मुझे ये सब, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई. बट या दिस इज़ नाइस लिट. हम ऐसी खा पी के बाहर निकले और हमें ये दिख गया. सो या इट्स गुड.